हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ऑल इंडिया लेवल का। तो इस एग्ज़ाम की 4 दिन की 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन आप लोगों का एग्ज़ाम बचा है 29 जनवरी को। तो कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट ये भी है कि क्या 29 जनवरी को एग्ज़ाम है भी या नहीं है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम 29 जनवरी को है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि जी सर मेरा जो एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी को होने वाला है। क्योंकि जो FCI ने एग्ज़ाम डेट का ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया था उसमें इन लोगों ने 5 डेट मेंशन कर रखी थी, 1, 7, 14, 21, 29। इसीलिए मैं अपने थंबनेल में 29 डेट का मेंशन कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि 29 जनवरी को भी आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फेज़ 2 लास्ट 1 मंथ है आप लोगों के पास, कि फेज़ 2 में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना चाहिए, PDF वगैरह कहाँ से मिलेगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, लास्ट ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के वो कहाँ से मिलेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये मैं हल्का से आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोग नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के मार्क्स 60 के अप्रोक्स बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, तो मेरा आप लोगों से सजेशन रहेगा कि बिल्कुल आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर 1% ना भी होता है तो वो प्रिपरेशन आप लोगों की बेकार नहीं जाएगी, किसी न किसी और एग्ज़ाम में वो आप लोगों के काम 100% आएगी। और बाकी जो रिमेनिंग जोन है, अगर उनमें आप लोगों के मार्क्स 50 से लेकर के 60 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी के बन रहे हैं तो उनको भी मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जोन वाइज बनेगी। तो कट ऑफ ऑब्वियसली आप लोग को लो ही देखने को मिलने वाली है। और आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कट ऑफ की एनालिसिस की जाए तो मैंने आप लोगों के लिए आज एनालिसिस भी कर दिया, चाहे चाहो तो आप लोग वो जाकर भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आप लोग कट ऑफ का एक एनालिसिस भी देख सकते हैं। बाकी जो मेरा सजेशन रहेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, अगर इतने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग मेंस की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर फाइनल 29 जनवरी को होता है तो उसके 1 महीने बाद अप्रोक्स फरवरी के एंड में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो फरवरी के एंड में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और उसके 15 दिन बाद मान सकते हैं कि आप लोग मिड मार्च में आप लोगों का फेज़ 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज़ 2 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को आज ही ऑलरेडी दे दी है कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। हर एक पोस्ट का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद सिलेबस भी बताया कि किस पोस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है और किस पोस्ट में कितने एग्जाम होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उस वीडियो में। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मिड मार्च तक होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों का लगभग जनवरी एंड होने वाला है, तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 1 से 10 दिन मान सकते हैं। तो इस महीने में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना रहा हूँ। अप्रोक्स मान सकते हैं कि 1 मंथ है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न अब आप लोगों के लिए डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है एकदम बैंकिंग लेवल का है, तो मेंस तो ऑब्वियसली बैंकिंग लेवल का ही आने वाला है। और बात कर लेते हैं कि PO लेवल होगा कि सर क्लर्क लेवल होगा, तो आप लोग ध्यान रख लेना कि IBPS क्लर्क जो लेवल है वही आप लोगों को मेंस में देखने को मिलने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं एक बार। वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए हल्का सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। यह आप लोगों का मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है हर एक पोस्ट के लिए। ये आप लोगों का पेपर 1 है, फेज 2 का कॉमन होने वाला है। कुछ पोस्ट ऐसी है जो टेक्निकल वाली है, उनमें एक पेपर टेक्निकल वो एक्स्ट्रा होगा। तो ये वाला पेपर तो आप लोगों को हर किसी को देना ही देना है, चाहे उसने किसी भी पोस्ट के लिए फिल कर रखा हो, एक्सेप्ट जो आप लोग स्टेनोग्राफर है, तो स्टेनोग्राफर वालों को ये पेपर नहीं देना है, बाकी हर एक पोस्ट वालों को ये पेपर देना ही देना है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश रीजनिंग ये तो मैंने बता दिया 25-25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और टोटल आप लोगों के 40 मार्क्स का आप लोगों का GS का सेक्शन आने वाला है। तो 40 मार्क्स का आप लोगों का GS का सेक्शन आएगा, और ये कितने नंबर का आएगा, 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के होंगे। और आप लोग जरा एक ध्यान से देख लीजिए जो इन्होंने मेंशन कर रखा कि जो आप लोगों का लेवल रहेगा 10th लेवल रहेगा, ये मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कहोगे कि सर इतने ईजी कैसे आ सकते हैं। जो आप लोगों का प्रीलिम लेवल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा था 8th लेवल का मेंशन कर रखा था, इसलिए आप लोगों को बहुत सिंपल इजी जीके देखने को मिल रही थी। अब आप लोगों का मेंस में क्या होगा कि यहाँ पर 10th लेवल मेंशन कर रखा है, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, सिंपली आप लोगों को 10th लेवल का ही पढ़ना है। एकदम हाई स्टैंडर्ड का आप पढ़ने लगो जेके में, कि अंदर घुस घुस के पढ़ने लगो इकोनॉमिक्स में, तो वो यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। जो मैं आप लोगों को कराऊंगा एकदम बेसिक वाली, सिर्फ उतना ही आप लोग करोगे तब भी आप लोग ये वाला सेक्शन इजिली क्रैक कर जाओगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा।
बाकी मैंने बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। बाकी एक डाउट आप लोगों का रहता है कि क्या एक ही लैंग्वेज में होगा, तो आप लोगों का बाइलिंगुअल रहने वाला, सिर्फ इंग्लिश सेक्शन आप लोगों का एक लैंग्वेज में होगा और सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों की ऑलरेडी जिस तरीके से प्रीलिम्स में थी उसी तरीके से आप लोगों के मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग होगी। यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली आप लोग देख लेना कि सेक्शनल टाइमिंग भी है और आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी है, कितनी 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये भी डाउट क्लियर कर दिया मैंने, नेगेटिव मार्किंग, सेक्शनल टाइमिंग और मैंने जीएस वाला पोर्शन आप लोगों का बता दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से है और कौन सा सब्जेक्ट को कैसे और कहाँ से पढ़ेंगे और मेरे द्वारा क्या क्या चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला आप लोगों का सेक्शन आता है, मैं आप लोगों को जीएस सेक्शन की बताऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को जीएस में अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं। बाकी आप लोग बोलोगे कि अदर सेक्शन के बारे में बता दीजिए तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दूंगा उन सेक्शन की। तो सबसे पहले आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस का जो एक सब सेक्शन आता है हिस्ट्री वाला, तो हिस्ट्री आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ईजी रहती है, कर भी लोगे क्योंकि चीज़ें फिक्स है, बदलेंगी नहीं है। तो जो चीज़ें फिक्स है वो आप ऑलरेडी कर सकते हो और रिपीटेड क्वेश्चन जो मैक्सिमम वही आते हैं। कहाँ से करनी है तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, यदि आप लोग सोचो कि सर आप तो अपने अपने बारे में बता रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे नहीं पढ़ना तो बुक से पढ़ सकते हो। बुक कौन सी लेनी है, एक तो आप लोग मनोहर पांडे की बुक जरूर ले लीजिए, चाहे आप लोगों का एग्जाम हो या ना हो तब भी ले लीजिए मनोहर पांडे की बुक। 20 से 25 रुपए की बुक आती है, मैक्सिमम हो सकता है कि आपकी सिटी में 30 रुपए की आती हो। उसके बाद आप लोग ये देख लेना जो 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, हिंदी में भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ये मैं प्रोवाइड करवाऊंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद वन लाइनर हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे द्वारा करवा दिए गए हैं, मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लाऊंगा, कम से कम 10 सेशन, 10 सेशन में हम लोग कम से कम मानकर चलिए 1500 हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ उससे बाहर आप लोगों का हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग 500 के हिसाब से लगभग 1500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, उससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, खुद करना है तो आप लोग मनोहर पांडे की बुक कर सकते हैं, खुद पढ़ना है तो आप लोग मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग लूसेंट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, 250 रुपये की बुक आती है। बाकी आप लोग वैसे भी खर्च करते हो पैसे तो आप लोग अगर 120 रुपये के आसपास होगी तो ये आप लोग स्पेंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। एक लूसेंट की बुक भी ले सकते हो, कुछ चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ पीडीएफ से पढ़ना, कुछ आप लोग फिर अपनी लूसेंट बुक से रिवाइज कर लेना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक ले लेना। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बताया दिया 10 से 12 सेशन मेरे द्वारा लिए जाएंगे, तो ये हिस्ट्री की स्ट्रेटजी रहेगी। अभी भी कोई भी डाउट आप लोगों का हिस्ट्री के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को बताइए जो मैंने आप लोगों की हिस्ट्री की वीडियो प्रीलिम्स प्रोवाइड करवाई है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से देखने को मिले हैं, बैटल की हो गई या फिर आप लोगों की बुक्स की हो गई, टॉप 500 की हो गई, आप लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे मैंने करवाया था किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने को मिले होंगे। अब हम बाकी जो आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ वगैरह ये कहाँ मिलेंगे, तो ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी के नाम से है, उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कैसे भी हो, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों को हर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। LIC का भी प्रोवाइड करवा दिया मैंने, इंश्योरेंस वाला, तो वो जाकर के आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और फ्री में रहेगा, कभी भी मैं आप लोगों के लिए कोई भी कंटेंट पेड नहीं लाने वाला हूँ। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी आप लोगों की 7 से 8 मार्क्स की आएगी और ये भी किस लेवल की रहेगी, 10th लेवल की रहेगी। इसमें क्या क्या करना है आप लोगों को, वन लाइनर ज्योग्राफी कर लीजिए, अगर टाइम है आप लोगों के पास तभी आप लोग पूरी थ्योरी को पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक आइडिया आप लोगों को मैं देता रहूँगा। उसके बाद ज्योग्राफी आप लोग लूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें मुश्किल से 40 से 45 पेज होंगे, वहाँ से भी आप लोग अगर ज्योग्राफी कवर कर लोगे तो आप लोगों को कहीं ना तो वीडियो देखने की जरूरत है ना पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है, ऑलमोस्ट उसी से आप लोगों की ज्योग्राफी आ जाएगी। और ना ही अदर आप 400-500 की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये की लूसेंट की बुक ले लीजिए और एक आप लोगों को जो मैंने मनोहर पांडे वाले बताइए वो बुक ले लीजिए, बाकी जो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा वो ले लीजिए। बाकी कोई भी बुक के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा महंगी बुक आप लोग परचेज तो कर लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एक ही महीना आप लोगों के पास। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन सी बुक लेनी है और कौन सी बुक्स नहीं लेनी है। तो ये ज्योग्राफी का था, बाकी उसके बाद 1000 ज्योग्राफी के ऑनलाइनर मैं आप लोगों को करवाऊंगा, पीडीएफ भी करवाऊंगा, वो ठीक उसी तरीके से 1500 ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो मैं आप लोगों को ऑनलाइनर के फॉर्म में इंग्लिश में करवा दूंगा, हिंदी में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहोगे हिंदी में भी करवाने तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर हिंदी में भी करवा दीजिएगा। तो ये हमारा ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स वाला। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या करना है, देखो इकोनॉमिक्स बहुत ही वाइड है, अगर आप लोग डीप में पढ़ने जाओगे तो आप लोगों को टाइम इतना नहीं है कि डीप में पढ़ो और कवर कर पाओ। तो मेरा सजेशन इसमें भी यही रहेगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट आते हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ लीजिए और उनके MCQ लगा लीजिए और वन लाइनर लगा लीजिए, ज्योग्राफी आप लोगों की वहाँ से कवर हो जाएगी। क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है बेस्ड ऑन था जो आप लोगों का प्रीलिम्स करवाया गया है, जैसे 5-5 ईयर प्लान हो गया आप लोगों का, उसके बाद जो सेक्टर आते हैं कि इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर होते हैं ये हो गया, उसके बाद आप लोग RBI हो गया, GDP से रिलेटेड हो गया, तो ये 7-8 टॉपिक है, फिक्स टॉपिक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आते रहते हैं और एक स्कीम होगी ये वाला है। तो ये टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा, मैं भी करवाऊंगा आप लोगों को 1500 क्वेश्चन, आप लोग चाहे वो भी कर सकते हैं और आप लोग
जो आप लोग लुसेंट की बुक है उससे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, और जो मनोहर पांडे है तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स का रहेगा। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और 1500 क्वेश्चन हम लोग इकोनॉमिक्स के भी करेंगे, वो वन लाइनर करेंगे। इकोनॉमिक होगी, उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की, अब हम लोग देख लेते हैं साइंस वाली। साइंस का वेटेज इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 10 मार्क्स की आप लोगों की साइंस आएगी, लेवल आप लोगों का 10th लेवल का रहेगा, और आप लोग मान सकते हैं कि फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन, बायो के 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी के 3-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहाँ से पढ़ना है फिर मेरा वही सोर्स रहेगा, मनोहर पांडे पढ़ लीजिए। एक ही महीना अगर आप लोग सोचोगे कि मैं मोटी किताब उठा के पढ़ूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद साइंस की वन लाइनर मैं भी करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा 500 बायो की करवाऊंगा आप लोगों को, 500 आप लोगों को फिजिक्स के करवाऊंगा, और 500 आप लोगों को केमिस्ट्री के करवाऊंगा। ये कर लेना, अगर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मारा जाए ना तो आप बता देना मुझे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के फंसा दूंगा मैं, बायोलॉजी के जितने भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा मैं, 500 के सेशन ले लेंगे, एनअप रहेंगे, और ज़्यादा घंटे के भी नहीं लूंगा। कभी आप सोचो कि 4-4 घंटे के मैराथन ले रही तो वो चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग आधा घंटा मैक्सिमम, 1 आवर की कोई एक क्लास होगी, 1 आवर की तो बहुत ही कम होगी, बाकी जो क्लास रहेगी 40 से 45 से 30 मिनट में एक क्लास हम लोग फिनिश कर लिया करेंगे। तो ये हमारा साइंस का था, साइंस की PDF आप लोगों को ग्रुप में मिलेगी, मैंने 1500 साइंस के क्वेश्चन की PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है हिंदी में अपना टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे आप लोग PDF से पढ़ लेना, चाहे वीडियो से पढ़ लेना, चाहे आप लोग बुक से पढ़ लेना, जो आप लोगों को ठीक लगे वहाँ से आप लोग अपनी जो बायोलॉजी का जो साइंस का पोर्शन है वो कवर कर लेना, वो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था 10th लेवल को देखने को मिलने वाला है। तो ये हमारा हो सका GS वाला पोर्शन, उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का करंट अफेयर का सेशन। जो करंट अफेयर का सेशन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार इसका वेटेज भी 5 मार्क्स का है, और लास्ट जो आप लोगों का प्रीलिम हुआ उसमें भी 5 मार्क्स का है। कहाँ से कर रहा है पहले आप लोग सोर्स देख लीजिए कहाँ से करोगे। एक तो बेस्ट 300 की PDF आती है, गौरव गर्ग सर की है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे तो आप लोग PDF से कर लीजिए, उनकी पेड वीडियो है, तो वीडियो तो आप लोगों को नहीं मिलेगी, तो आप लोग PDF से कर सकते हैं, वो MCQ रहती है। उसके बाद स्पीडी करंट अफेयर आती है, जिसकी मैं आप लोगों को लास्ट में इमेज दिखाऊंगा इस बुक की, और एडिटोरिया की बुक भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी आप लोगों का जो सोर्स है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, सारे सोर्स अच्छे हैं, कोई सा एक सोर्स ले लीजिए। अगर आप लोग स्टडी IQ लेते हैं तो फिर आप लोगों को एक बुक भी लेनी पड़ेगी, अगर आप लोग बुक ले लेते हैं कोई सी तो आप लोगों को फिर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपली, क्योंकि इजी क्वेश्चन करंट अफेयर क्या है, तो अगर आप लोग कवर कर लोगे तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर करना कितना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 साल का करंट अफेयर करके जाइए, थोड़ा सा सिक्योर साइड रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम मार्च में होता था, फरवरी तक आप लोगों को करंट अफेयर करके जाना होगा, तो लास्ट फरवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक आप लोग अपना करंट अफेयर कवर कर लीजिए। बाकी अब मैं क्या करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को फरवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक वन लाइनर के फॉर्म में लगभग 30-30 मिनट की हमारी एक वीडियो रहेगी, उसमें करंट अफेयर वन लाइनर की फॉर्म में करवाने वाला हूं, तो आप लोग वहां से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे करंट अफेयर आप लोग MCQ करवा दीजिए तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट करके बता देना कि सर MCQ भी करवा देना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो प्रोवाइड करवाई है, दिसंबर की प्रोवाइड करवाई थी, नवंबर की प्रोवाइड करवाई थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि दिसंबर वाली वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और नवंबर वाले से भी देखने को मिले हैं। अगर आप लोग दोनों अलग अलग है, एक वन लाइनर है एक MCQ है, जो भी इनमें से आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप बता देना, फिर हम लोग उसी में कंटिन्यू कर लेंगे। ये मेरा करंट अफेयर का सेशन रहेगा, और जो हमारी एकता मैम भी कुछ सेशन लेगी आप लोगों के करंट अफेयर के, वो भी आप लोगों को करंट अफेयर में जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होता है, रैंकिंग इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, वो सारे मैम करवा देगी, वहां से भी आप लोग कवर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, और ये सब PDF कहाँ मिलेगी, इन सारी बुक की मैं PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, फ्री में अवेलेबल है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। तो ये हमारा GS सेक्शन था, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं जो मैथ की स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। जो मैथ की स्ट्रेटजी है तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एडवांस मैथ आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को IBPS क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्या करने हैं, जो DI है इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बुक होगी आप लोगों के पास उसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना DI की, क्योंकि DI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। केसलेट DI आप लोग की आ रही थी तो ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है इस बार। उसके बाद इन सब के PDF मैं कहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और मेमोरी बेस की कुछ PDF है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया आप लोगों का, ओनली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अर्थमेटिक करना है, मेंसुरेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हो सके तो थोड़ा बेसिक्स देख लेना बस। उसके बाद आप लोगों को मैथ के सेक्शन लगाने ज़्यादा से ज़्यादा, कहाँ से लगाओगे, जो भी आप लोगों के पास मॉक होगा, या तो आप लोगों के पास अड्डा होगा, टेक्स्ट बुक होगा, ग्रेड अप होगा, या कोई भी होगा आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ वहाँ से जाकर के आप लोग मैथ के सेक्शन लगा लीजिए। डेली एक सेक्शन ले जाइए हर एक सब्जेक्ट का, और एक फुल मॉक लगाइए, तभी आप लोगों का जो प्रिपरेशन वो एक अच्छी लेवल पर पहुंचेगी। उसके बाद बुक्स वगैरह कहाँ से करना है मैथ का, तो किरण की बुक ले सकते हैं, या फिर आप लोग कोई भी जो भी बुक होगी आप लोगों के पास, अड्डा की बुक होगी, मैंने बुक उसमें टेलीग्राम ग्रुप में अड्डा की बुक प्रोवाइड करवा रखी है, दोनों बुक है, एक आप लोगों की रीजनिंग की भी है, मैथ की भी है, और उसकी इंग्लिश की भी है, तो मैंने तीनों बुक प्रोवाइड करवा रखी है, वो भी आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आप लोगों को सारे के सारे मैथ टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ सेशन मैथ के भी ले जाएं तो आप लोग बता सकते हैं, फिर मैं कुछ कोशिश कर सकता हूं। आप लोगों को मैं प्रोमिस नहीं करूंगा कि मैं मैथ के सेशन ले सकता हूं, तो आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कैसा चाहते हैं। तो ये मैथ की एनालिसिस थी, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि मैथ में आप लोग कहाँ से क्या पढ़ना है, मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोग का रीजनिंग वाला। रीजनिंग बहुत इजी देखने को मिली है, हर कोई कैंडिडेट 22 से 25 क्वेश्चन करके आया, तो मेंस में थोड़ी सी अप लेवल की मिलेगी। लेवल क्या रहेगा, पैटर्न आप लोग का वही रहेगा बैंकिंग वाला, और लेवल आप लोग का IBPS क्लर्क मेंस का रहने वाला है। ये मैंने आप लोग को बता दिया करना क्या, आप लोग को सेक्शन लगाने जो भी आप लोग के पास मॉक होगा कोई सा भी। उसके बाद आप लोग को हर एक पजल, सेटिंग अरेंजमेंट हुआ, लीनियर अरेंजमेंट हुआ, स्क्वायर अरेंजमेंट हुआ, सारी की सारी PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो जो टॉपिक है आप लोग क्या क्या करने, रैंकिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, सिलोगिज्म होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसके बाद जितने भी सारे टॉपिक हैं इन सब की PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास जो भी कोई बुक हो उस बुक से कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को एक किरण की बुक दिखाऊंगा लास्ट में, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजनिंग था। लास्ट सेशन आता हमारा जो इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में क्या करना है, तो इंग्लिश एकदम क्लर्क मेंस लेवल की इजी लेवल की आएगी, जिस तरीके से प्री में आई थी उसी तरीके से मेंस में भी थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिलने वाला है। वो कैबलरी आप लोगों को करनी है, मिस रिस्पेक्ट जरूर करना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आए हैं अभी तक जितने भी 16 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, 16 शिफ्ट में आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिस स्पेल्ड के देखने को मिले। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हर एक शिफ्ट में आया, हर एक शिफ्ट में आया, आगे भी आएगा, मेंस में भी आएगा, 10 क्वेश्चन थे इसमें आप लोगों के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद पैराजंबल हो गया और सेंटेंस रीअरेंजमेंट होगा, ये सारे आप लोगों के पूछे गए हैं किसमें, इंग्लिश में। एरर तो आप लोग ही पूछी जाइए। अब देख लेते कि इंग्लिश करोगे कहाँ से, तो इंग्लिश आप लोग या तो आप लोगों के पास एक नीतू मैम की बुक आती है उस बुक से कर लीजिए अगर वो बुक है, या फिर आप लोगों के पास एक अमन वशिष्ठ सर की बुक आती है, अमन वशिष्ठ सर की आती है इंग्लिश प्रो, एरर प्रो के नाम से और वो कैप प्रो के नाम से, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर कोई भी बुक आप लोगों के पास हो, अड्डा की बुक हो, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है, ये अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही आएगी वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी नहीं तो मैम की बुक है वो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी, वो भी फ्री में अवेलेबल है, उससे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बाकी जो आप लोगों के सेक्शनल अटैम्प्ट उसी तरीके से करने, जिस तरीके से आप लोग मैथ रीजनिंग के सेक्शनल अटैम्प्ट करेंगे, कोई भी ऐप होगा वहाँ से जाकर के आप लोग सेक्शनल जरूर अटैम्प्ट करिए, ये मेरा आप लोगों से पर्सनल सजेशन रहने वाला है। उसके बाद मेमोरी बेस में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देख रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आप लोगों को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक तो आप लोगों को मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, और उसकी एनालिसिस भी करनी है, ये सबसे ज़्यादा मेन रहेगा। कुछ चीज़ें अगर आप लोगों की छूट भी जाती है तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप लोगों का मॉक टेस्ट पर रहना चाहिए। डेली एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, और डेली आप लोग 3 सेक्शनल लगा लीजिए हर एक सब्जेक्ट के, 4 लगा लीजिए JK भी इंक्लूड कर लीजिए, तो डेली 4 सेक्शनल, 1 फुल मॉक, और बाकी जो आप लोगों का शेड्यूल रहता है उसी तरीके से पढ़िए। लेकिन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मॉक वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी दिन मिस नहीं करना है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए बुक कौन कौन सी खरीदनी है आप लोग, या तो आप देखो मेरा इनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, मैं आप लोग बस सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो ये बुक खरीद सकते हैं, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती आपको खरीदनी ही है, क्योंकि या फिर आप अगर खरीदना तब जब आप लोगों के पास ना हो, अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक है सिर्फ उसी से पढ़ लेना, तो ये आप लोग एक दिशा वाली आती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ये भी रहती है। उसके बाद एक किरण वाली आती है, ये भी देख सकते हैं, ये इसमें आप लोग को मेंस के भी मिल जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, इसमें मेंस वाले लेना का दिया आप लोग प्रीलिम्स वाले ले लो, तो मेंस में इसमें 20 से 25 प्रैक्टिस सेट रहते हैं, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ये आप लोगों के कलर मेंस के लेवल की आती है। अब हम लोग करंट अफेयर की देख लेते हैं, ये बुक ले लीजिए, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तब भी आप लोग ये बुक ले लीजिए, 100 या 110 रुपये की आती है, तो ये आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, या तो आप लोग ये ले लीजिए, या फिर आप लोग एक एडिटोरिया की आती है, या ये ले लीजिए, दोनों मत लेना, कोई भी एक ले लेना, जो भी आप लोग के पास अगर है तो उसे रहने दीजिएगा, अपडेटेड लेना फरवरी 2022 तक की, कभी आप लोग ओल्ड वाली से पढ़ने लगो, क्योंकि अपडेटेड मिलेगी, आ चुकी होगी मार्केट में, तो ये आप लोग की करंट अफेयर की बुक रह गई। उसके बाद मैं एक बुक हो रहा है, ये भी मैंने आप लोग को बता रखा है, तो आप लोग बता दें कि मेंस वाले लेना इसमें, जो आप लोग की किरण वाली आती है। उसके बाद जो आप लोग पूछते हैं कि मनोहर पांडे क्या है, तो ये बुक होती है मनोहर पांडे की, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, 25 से 30 रुपये की आती है, अरियंत पब्लिकेशन की होती है, ये भी आप लोग जरूर लीजिएगा, ओल्ड लूसेंट भी आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में काम आने वाली बुक है। बाकी जो 400-500 वाली बुक लेने का कोई फायदा नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, वो इतनी मोटी मोटी बुक होती है, नहीं पढ़ पाओगे, वो सिर्फ आप लोगों के बेवकूफ़ बनाने वाले काम होते हैं कि इसमें सब कवर हो जाएगा, एक बुक से बेकार है, मत लेना, मेरे सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर एक PDF आप लोगों को वहाँ पर फ्री में अवेलेबल होने वाली है। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये सजेशन है, अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आती है और आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करिए, जिससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाए और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ। कोई और भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।